हमने बहुत सारे ट्रॉमास के बारे में सुना होगा, हमने बहुत सारे पैटर्न्स के बारे में सुना होगा, बट आज हम बात करने आए हैं एक ऐसे ट्रॉमा के ऊपर जो शायद आप पहली बार सुन रहे हैं बट एक्सपीरियंस बहुत बार करा होगा। क्या आपने अपनी लाइफ में ये कहते हुए किसी को सुना है कि भाई ये तो रीत इनके पुश्तों से चली आ रही है और ये कभी नहीं बदलेगी। ऐसे ही हमारी जिंदगी के अंदर कुछ ट्रॉमास होते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स से हमारे पास आ रहे होते हैं बट हमें उसकी अवेयरनेस नहीं होती है। जी हाँ, इन ट्रॉमास को कहा जाता है इंटरजेनरेशनल ट्रॉमास। समझने के लिए जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। हाय, मेरा नाम है प्रिया कौल। मैं हूँ स्पिरिचुअल लाइफ कोच, होप क्रिएटर, एक हीलर, और आज मैं बात करने आई हूँ एक ऐसे टर्म के ऊपर जो है तो बहुत कूल बट इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप इस ट्रॉमा के बारे में समझेंगे आप ऑटोमेटिकली इसको हील करना शुरू कर सकते हैं बिकॉज आप अवेयरनेस की स्टेट में आ जाएंगे। आज हम बात करेंगे इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा की। क्या होता है ये, इसका पैटर्न क्या होता है, इसको हम कैसे हील कर सकते हैं और कैसे हम अपने आने वाले लोगों में अवेयरनेस लेके आ सकते हैं। सो हमने बात करी इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा की। ये एक ऐसा ट्रॉमा होता है जो पीढ़ियों से हमारे साथ चल रहा होता है बट क्योंकि हम अवेयरनेस में नहीं होते हैं तो हमें पता नहीं होता। सो आज मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल शेयर करूँगी जिससे शायद आप इस सिचुएशन को कोरिलेट कर पाएंगे। सो एक बच्ची थी जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस करे फेस अपनी मदर की वजह से, क्योंकि उसकी मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहती थी उस बच्चे के साथ, एंगर अपना बार बार उसके साथ शेयर करती थी, उसको बुली करती थी, वो कोई भी काम करने जाती थी तो उसको रोका जाता था। ये ट्रॉमा उतना ही रियल है जितना रियल होता है किसी और चीज़ की हीलिंग को समझना या किसी और डिजीज़ को समझना। ये ट्रॉमा हमारे डीएनए लेवल तक चला जाता है जिसको चेंज करना आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट हाँ मुझे लगता है कि हीलिंग के थ्रू आप इस ट्रॉमास को ज़रूर ठीक कर सकते हैं। मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ कि इसको आप कैसे हील कर सकते हैं, बट इसका एक अच्छा एग्जाम्पल समझते हैं। आपने देखा होगा आज के टाइम पे कई लेडीज़ ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि मैं अपने बच्चों को कभी बैड वर्ड्स नहीं कहूँगी, मैं अपने बच्चों के साथ कभी भी फिज़िकल नहीं होंगी, मैं अपने बच्चों को कभी मारूंगी नहीं। बट वहीं पर जब उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आता है या थोड़ा सा उनका कोई पेन ट्रिगर होता है तो वो बैड वर्ड्स भी कहती हैं और वो बच्चे को मारना भी शुरू कर देती हैं। उन्होंने ये सब कहाँ से सीखा, ये क्या इमोशन था उनके अंदर जो किसी चीज़ किसी हालात के चेंज होते ही उनका टेम्परेचर बदल गया, उनका बॉडी का बिहेवियर बदल गया, उनके सोचने समझने की शक्ति को जैसे हम बोलते हैं ना कि एक रुकाव सा लग गया, क्योंकि शायद बचपन में उन्होंने अपने साथ ये होते हुए एक्सपीरियंस करा होगा जहां वो कुछ कहना चाहती होंगी बट उनके पेरेंट्स ने वो बात को ना सुन के उनको अपने जो इमोशन उनके साथ चल रहे होंगे उन्होंने बच्चे के साथ वैसा रिप्रेजेंट करा होगा। कहने की और समझने की बात तो ये है कि कभी भी इन सब चीज़ों के ऊपर गौर नहीं किया जाता है। हालांकि आज के टाइम पे जहां डिप्रेशन घर घर में जा रहा है वहीं पर एक डिप्रेशन की बहुत बड़ी जो वजह है वो यही है जिसको कहा जाता है इंटरजेनरेशनल ट्रॉमास, यानी कि वो चीज़ें जो आपके पेरेंट्स के साथ हुई हैं वो आपके साथ भी वो कर रहे हैं, और अनकॉन्शियसली जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप अपने बच्चों के साथ भी वही बिहेवियर को दोहराने लगेंगे। हमेशा ध्यान रखें, जब किसी के कही हुई बात से आप एकदम से ट्रिगर हो जाएं और जिसका बॉडी रिएक्शन आए कि या तो आपको हॉट फ्लशेस शुरू हो जाएं या आपके हाथ ठंडे हो जाएं या एकदम से आपको गुस्सा आ जाए या एकदम से आप अलूफ हो जाएं, इस तरीके का रिएक्शन जब भी आप देखें तो आप समझ जाइए कि ये एक ऐसा ट्रॉमा है जो पीढ़ियों से आपके साथ चल रहा है बट कभी आपने इस पर फोकस नहीं करा था। आइए आज हम समझेंगे कि इसको हम कैसे हील कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप से क्वेश्चन करना है। मैं पहला क्वेश्चन जो आपको बताऊंगी ये आप तभी अपने आप से पूछें जब आप बिल्कुल मेडिटेटिव जोन में चले जाएं। आपने जो कर दिया, आपके साथ जो हो गया उसको भूल के आगे बढ़ें और बिल्कुल एक शांत एकांत जगह पे जाके बैठें और अपने आप से पूछें, वेयर इज़ दिस कमिंग फ्रॉम, ये सिचुएशन, ये ट्रॉमा, ये रिएक्शन कहाँ से आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान दें,
थोड़ा सा गहराई में जाएं और देखिए कि आपको पिक्चर्स, विजन्स या फिर इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन जो आपने अपने आप से पूछना है वो है हाउ इज़ दिस फेमिलियर टू मी, यानी कि ये चीज़ मेरे साथ क्या रिश्ता रखती है और ये कहाँ से आ रही है। ये दूसरा जो क्वेश्चन है वो बहुत गहरा क्वेश्चन है, हो सकता है कि इसका सोल्यूशन मिलते मिलते आपको थोड़ा टाइम लग जाए, बट प्लीज़ साथ साथ लिखना शुरू करें। जो भी भाव आते हैं, जो भी एक्सप्रेशंस आते हैं, जो भी विजन्स आते हैं, उसको नोट डाउन करना बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। तीसरा क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हु डिड दिस इन माई कम्युनिटी, यानी कि मेरी फैमिली में, मेरी कम्युनिटी में ऐसा कौन रहा जिसने इसको एक्सपीरियंस करा था पहली बार। बिल्कुल सही आपने सुना, पहली बार, बिकॉज हमें ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सिचुएशन है जो एकदम से ट्रिगर होती है और आपका बिहेवियर को बदल देती है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बदल देती है, यानी कि मैं अगर इसको और समझाने की कोशिश करूँ तो आप लिटरली कोई और इंसान बन जाते हैं, ये कहाँ से शुरुआत हो रही है, इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस दिन आप ये बातों को समझना शुरू करते हैं वहीं से सेंस ऑफ अवेयरनेस आनी शुरू होती है, और जैसे ही आप सेल्फ अवेयरनेस में जाते हैं सारे ट्रॉमास एक एक करके आपके सामने मेल्ट हो जाते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा लेके आते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने इन हिडन ट्रॉमास को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले, जब भी आपको लगे कि ऐसा कुछ भी चीज़ आपकी लाइफ में ट्रिगर हुई है जिसने आपके पूरे मूड को ख़राब कर दिया है, जिसने आपके सिचुएशन को ख़राब कर दिया है, और तो और जिसने आपको सोचने के काबिल भी नहीं छोड़ा है क्योंकि आप एक दूसरे इंसान बन चुके थे और आपने रिएक्शन इस तरीके का दिया जहाँ पे आपके रिश्ते भी ख़राब हो सकते थे, आपने क्या करना है? जब भी लगे कि ऐसा कुछ हुआ आपके साथ, आप हमेशा घर से बाहर निकल जाएं, वॉक करना शुरू करें, कुदरत से कनेक्ट करना शुरू करें, अगर आपको कोई गाना अच्छा लगता है तो गाना गुनगुनाना शुरू करें। बिकॉज मैं ये चाहती हूँ कि जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे, उस मोमेंट को एक्सपीरियंस करेंगे, ऑटोमेटिकली आप अपनी ऊर्जा उस ट्रॉमा तक नहीं पहुँचाएंगे, और जब जब आपकी जो ऊर्जा है वो ट्रॉमा तक नहीं जाएगी, वो ट्रॉमा एक सिर्फ थॉट बन के आपके दिमाग से निकल जाएगा। आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को ज़रूर करके देखिएगा, और आपकी लाइफ में आपने कितने लोगों को देखा है जिन्होंने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। बिकॉज डिप्रेशन कुछ और नहीं, बीमारियां कुछ और नहीं, एक स्टेगनेंट इमोशन होता है जो हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लेके आ जाता है। देखिए कि आपके अंदर ऐसा कौन सा इमोशन है जो छुपा हुआ है, और विद दिस प्रैक्टिस, विद द हीलिंग, आप इसको हील कर सकते हैं। किसी भी समय आपको लगता है कि आपको कोई ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो आपको सुने, आपको गाइड करे, तो आप हमारे को मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं उम्मीद करूंगी कि इस वीडियो को आप हर घर तक पहुंचाएंगे, बिकॉज आज के टाइम पे छोटी छोटी बातों की अवेयरनेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।